Now next C program, insert given element at the head position of given array or existing array. Just इसके previous session मैंने discuss किया था inserting given element at the end position of the array. लेकिन इसके इसमें end position के place पर just a new element insert कराना at the beginning position or we can say head position. Head position is at first place. First place पर index क्या है zero. Clear? तो इसे operation को perform करने के लिए just मैं separate user defined function create करूँगा called as insert functions. It's like that. इस केस में insert function को call करने का भी क्या होगा? Suppose अगर आपने इस केस में just function name create किया है जा insert. तो सबसे पहले first argument में pass क्या करेंगे? Array का base address. Means जिसे array में आप new element insert कराना चाहते हो. Second argument क्या pass करोगे? Size of array. Means current size of अरे क्लियर. नेक्स्ट थर्ड आर्गुमेंट में आसान क्या होगा, जैसे सॉरी थर्ड आर्गुमेंट क्या पास करोगे, इंसर्टेड आइटम व्हिच यू वांट टू इंसर्ट. क्लियर आइटम लाइक दैट. टोटल थ्री आर्गुमेंट फंक्शन इंप्लीमेंट करना. लेकिन इस केस में जस्ट इंसर्शन के लिए सबसे पहले मैं लॉजिक डिस्कस करूंगा, उसके बाद जस्ट थ्रूआउट क्या करेंगे लॉजिक फॉर इंसर्ट फंक्शन, देन मैं फाइनली आपको गिवन सोर्स कोड एक्सप्लेन करूंगा. क्लियर. इन दैट केस अगर आपको लास्ट पोजिशन में कोई भी न्यू एलिमेंट इंसर्ट कराना है, देन इस केस में आपको बिग प्रॉब्लम क्या फेस करना है, मीन्स जीरो इंडेक्स पर या बिगिनिंग प्लेस पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एलिमेंट फाउंड हो रहा है, देन इस प्लेस पर डायरेक्टली न्यू एलिमेंट लाइक दैट वे. इस टाइप से असाइन करना पॉसिबल नहीं है. रीजन अगर आप डायरेक्टली जीरो इंडेक्स पर न्यू एलिमेंट असाइन कराओगे, नाउ एग्जिस्टिंग एलिमेंट इज रिप्लेस्ड बाई न्यू एलिमेंट, मीन इस केस में कहीं ना कहीं आपका इन्फॉर्मेशन लॉस्ट होने की चांसेस है. जस्ट आपको ऑपरेशन इस टाइप से परफॉर्म कराना कि मीन्स एग्जिस्टिंग एरे के एलिमेंट को भी सेव करना पॉसिबल प्लस न्यू एलिमेंट भी इंसर्ट कराना पॉसिबल. फाइनली इस केस में जस्ट परफॉर्म क्या हुआ, मीन्स जीरो इंडेक्स ऑनवर्ड जो भी एरे के अंदर एलिमेंट्स करंटली फाउंड हो रहे हैं, मीन्स जस्ट मैं सेपरेटली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इन दैट डायग्राम. एग्जिस्टिंग प्लेस पर अगर बात करें तो करंटली एरे में फाउंड क्या हो रहा है, 10, 20, 30, 40 एंड 50. देन इसके साथ सबसे पहले परफॉर्म क्या कराओगे, अप्लाई करोगे डेटा शिफ्ट ऑपरेशन. मीन्स आपको फर्स्ट प्लेस आपको एम्प्टी चाहिए, तो फर्स्ट प्लेस एम्प्टी होने के साथ सबसे पहले जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे एलिमेंट वन पोजीशन राइट में शिफ्ट कराएंगे. मीन्स जस्ट राइट में शिफ्ट कराएंगे तो इस प्लेस पर क्या जाएगा, जस्ट 50. क्लियर. देन 50 के प्लेस पर क्या रिप्लेस हो जाएगा, जस्ट 40. देन 40 के प्लेस पर रिप्लेस क्या कराओगे, 30. ना 40 रिप्लेस्ड बाय 30. सिमिलरली 30 रिप्लेस्ड बाय न्यू एलिमेंट 20. सेम एज 20 रिप्लेस्ड बाय न्यू एलिमेंट 10. क्लियर. देन मीन्स आपके पास इनिशियली एरे में कितने एलिमेंट्स थे, 5. मीन्स 5 एलिमेंट सारे के सारे आप स्टोर कर चुके, मीन्स सेव हैं, लेकिन सारे सारे एलिमेंट नेक्स्ट पोजीशन में शिफ्ट हो चुके. मीन्स प्रीवियस केस में जैसे एलिमेंट का इंडेक्स पोजीशन ए ऑफ आई था या आई जो एलिमेंट पहले आई इंडेक्स में स्टोर था, करेंटली सेम एलिमेंट किस इंडेक्स में कॉपी हो चुका है, आई प्लस वन पोजिशन, मीन्स जस्ट वन पोजिशन राइट. क्लियर. देन मीन्स सबसे पहले इस केस में रिक्वायर्ड क्या, डेटा शिफ्ट ऑपरेशन. तो डेटा शिफ्टिंग के लिए जस्ट आपको लूप भी एग्जीक्यूट कराना होगा, प्लस इसका अभी भी इस प्लेस पर 10 तो फाउंड है लेकिन 10 ऑलरेडी कॉपी कर चुके, इसलिए इस 10 को आप कंसिडर करो एज अ अनयूज्ड एलिमेंट. देन डायरेक्टली आपके पास इस डेटा शिफ्टिंग ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद ए ऑफ जीरो में डायरेक्टली आपके लिए न्यू आइटम असाइन करना पॉसिबल. सपोज दैट न्यू एलिमेंट क्या है, 5. जस्ट 5 डायरेक्टली कहाँ असाइन हो जाएगा, इन द फर्स्ट पोजिशन. मीन्स आपके पास प्रीवियस एलिमेंट को भी प्रिजर्व करना पॉसिबल, न्यू एलिमेंट भी इंसर्ट कराना पॉसिबल. मीन्स फाइनली लॉजिक टू स्टेप्स में कंप्लीट करेंगे. सबसे पहले शिफ्टिंग ऑपरेशन अप्लाई करोगे, फर्स्ट केस क्या रहेगा, अप्लाइंग डेटा शिफ्ट ऑपरेशन वन पोजिशन राइट. वन पोजिशन राइट में जब भी शिफ्ट कराना है गिवन लॉजिक्स फॉलो करें. क्लियर. सेकेंड लॉजिक क्या रहेगा, देन इंसर्टिंग न्यू आइटम एट जीरो इंडेक्स. आइटम इंसर्ट कराने का देन फाइनली रिक्वायर्ड क्या हुआ, इंक्रीमेंट करेंट साइज ऑफ एरे. मीन्स इनिशियली एरे का साइज क्या था, 5. 1, 2, 3, 4, 5. लेकिन करेंटली अब एरे के अंदर 6 एलिमेंट फाउंड हो रहा है, इसलिए इसका साइज क्या, 6. देन इंक्रीमेंट किसमें हुआ, वेरिएबल एन और करेंट साइज ऑफ एरे. क्लियर. फाइनली इस टाइप के लॉजिक से इंप्लीमेंट करने के लिए जस्ट क्रिएट क्या करना है, इंसर्ट फंक्शन. इंसर्ट फंक्शन के केस में जस्ट इस फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न कराने की जरूरत नहीं, इसलिए इसका रिटर्न टाइप यूज करेंगे एज अ वॉइड. वी आर यूजिंग फंक्शन नेम एज इंसर्ट. क्लियर. नेक्स्ट वन, फर्स्ट केस में सप्लाई क्या हुआ, इंसर्टेड एरे का बेस एड्रेस. देन सेकेंड आर्गुमेंट में रिक्वायर्ड किया करेंट साइज ऑफ एरे. देन थर्ड केस में जस्ट थर्ड केस में परफॉर्म क्या करना है, सप्लाई करोगे इंसर्टेड आइटम इंटीजर जस्ट आइटम वेरिएबल. क्लियर. इस द गिवन केस. तो सबसे पहले इस केस में परफॉर्म क्या कराना है, जो भी एरे के अंदर एग्जिस्टिंग एलिमेंट है इन एलिमेंट को शिफ्ट कराना है, प्लस ऐसे एरे का साइज सपोज दैट मैनेज किस में हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल
एन, एन के केस में जस्ट करेंटली एन का वैल्यू क्या है 5। नेक्स्ट केस वन मोर केस, इस केस में प्रॉब्लम क्या है एन, इस केस में कॉल केस हो रहा है, कॉल वाई वैल्यू अगर इस प्लेस पर आप एन में कोई इंक्रीमेंट भी करो तो ओरिजिनल प्लेसेस पर इंक्रीमेंट रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, इसलिए इसके लिए मैं सेपरेट केस बताऊंगा। फिलहाल आपको इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले एरे के एलिमेंट शिफ्ट कराना है, तो एलिमेंट को शिफ्ट किस प्लेस से कराओगे, मीन्स जस्ट शिफ्टिंग के रिस्पेक्ट में पहले कौन सा एलिमेंट शिफ्ट होगा, जीरो इंडेक्स का एलिमेंट और लास्ट इंडेक्स का एलिमेंट। सबसे पहले शिफ्टिंग किसके लिए हुआ, लास्ट इंडेक्स, क्योंकि अगर आप इनिशियली पहले 10 को शिफ्ट कर दो डायरेक्टली, देन 10 रिप्लेस किसको कर देगा 20 को, देन अब आपके पास कहीं 20 फाउंड हो रहा है क्या, नहीं। तो इसलिए एलिमेंट किस ऑर्डर में शिफ्ट कराओ, जस्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन। तो राइट एलिमेंट है, राइट मोस्ट एलिमेंट का करंटली इंडेक्स क्या है 4, विच इज इक्वलेंट टू एन माइनस 1। प्लस एरे के केस में, सॉरी एरे के एलिमेंट को इटरेट करने के लिए रिक्वायर्ड किया इटरेटिव वेरिएबल आई। तो फोर लूप के केस में जस्ट फर्स्ट एलिमेंट चेक कर सकते हो, फर्स्ट एलिमेंट के केस में करंटली इसका इंडेक्स क्या है a ऑफ 4, फोर्थ इंडेक्स का एलिमेंट करेंटली कॉपी किस इंडेक्स में हो रहा है, फिफ्थ इंडेक्स में a ऑफ 5। सिमिलरली नेक्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम फोर्थ इंडेक्स का एलिमेंट कॉपी किस में हो जाएगा 5 में, सिमिलरली थर्ड इंडेक्स का एलिमेंट कॉपी किस में करा हुआ 4th में, नेक्स्ट टाइम फोर्थ इंडेक्स में असाइन क्या हुआ एलिमेंट ऑफ थर्ड इंडेक्स ms, इंडेक्स 2 का एलिमेंट कॉपी किस में होगा इंडेक्स 3 में, इंडेक्स 1 का एलिमेंट कॉपी किस में होगा इंडेक्स 0 में। क्लियर, सॉरी जस्ट मिस्टेक किया है, इंडेक्स 4 का एलिमेंट 3, 4, 2, 3, देन इंडेक्स 1 का एलिमेंट कॉपी किस प्लेस पर होगा इंडेक्स 2 में, एंड इंडेक्स 0 का एलिमेंट किस प्लेस पर शिफ्ट हो जाएगा जस्ट इंडेक्स 1, देन फाइनली 0 इंडेक्स का ऐसा हो जाएगा आपके पास एम्प्टी। तो इस केस में जस्ट इस प्लेस पर अगर आई का वैल्यू 4 है देन जस्ट इस केस में परफॉर्म क्या कराओ, आपके पास टू चॉइस है, या तो आप इस प्लेस पर क्या रहा डन कर लो आई प्लस 1, अगर आई का इनिशियल वैल्यू एन माइनस 1 है, अगर आई का वैल्यू आपने एन असाइन किया है देन आप इस प्लेस पर क्या राइट करोगे आई, अगर आई का इनिशियल वैल्यू एन है देन इस प्लेस पर राइट डन कर सकते हो आई माइनस 1, दोनों ही केस पॉसिबल हैं। जस्ट फोर लूप के केस में आई का इनिशियलाइजेशन किससे करा रहा हूँ मैं, आई इक्वल्स टू एन, तो एन के रिस्पेक्ट में आई में डायरेक्टली कैसा हो रहा है 5, इस केस में फॉलो क्या कर रहा हूँ फर्स्ट केस, आई में क्या आसान हो चुका है जस्ट 5, दिस वन इज आई, तो इसको आप नेम क्या दोगे आई माइनस 1, देन लूप कब तक चलाना है आज जब तक आई का वैल्यू 0 से बड़ा है, जैसे ही आई का वैल्यू 1 हो जाएगी तो आई 5 से स्टार्ट और 5 से लेकर कब तक चलाना है अप टू 1, तो 0 के केस में कंडीशन फॉल्स होना चाहिए। क्लियर, देन एवरी टाइम परफॉर्म क्या हुआ आई माइनस माइनस, देन राइट डाउन क्या करो इस प्लेस पर ए ऑफ आई इक्वल्स टू ए ऑफ आई माइनस 1, दिस इज द वन वे। क्लियर, सेम शिफ्टिंग का मैं दूसरा केस राइट डाउन कर रहा हूँ, अगर आई के केस में डायरेक्टली एन आसान करके लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स आसान करते हो, लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या करेंटली एन और एन माइनस 1, एन माइनस 1, दिस इज द एन अदर वे ऑफ राइटिंग लॉजिक्स, देन एन माइनस 1 अगर 4 से स्टार्ट करते हो फोर्थ इंडेक्स भी शिफ्ट होगा, जी थर्ड भी शिफ्ट होगा, 2 भी शिफ्ट होगा, 1 भी शिफ्ट होगा, 0 भी शिफ्ट होगा, तो कब तक चलाना जब तक आई का वैल्यू या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा है, एवरी टाइम परफॉर्म क्या हुआ आई माइनस माइनस, लेकिन इस केस में एवरी टाइम आईथ इंडेक्स का एलिमेंट शिफ्ट कहाँ हो रहा है आई प्लस 1 में, तो इस केस में असाइनमेंट किस में करा हुआ ए ऑफ आई प्लस 1 इक्वल्स टू ए ऑफ आई, दिस इज द एन अदर वे ऑफ राइटिंग सेम कोड। फाइनली इस केस में डेटा शिफ्ट हो चुका है, जब कंट्रोल लूप से बाहर आएगा उस केस में सारे के सारे एलिमेंट राइट हैंड पोजिशन में शिफ्ट हो चुके होंगे, तो इस प्लेस पर फाउंड क्या हुआ 50, एंड 50 के प्लेस पर क्या रिप्लेस हो चुका हुआ जस्ट 40, 40 के प्लेस पर शिफ्ट क्या हो चुका है जस्ट 30, सिमिलरली 30 के प्लेस पर कॉपी क्या हो जाएगा 20, 20 के प्लेस पर कॉपी क्या हो जाएगा 10, मीन्स टोटल 5 एलिमेंट थे, सारे के सारे एलिमेंट आसान हो चुके हैं। देन जस्ट लूप के बाद आपके लिए डायरेक्टली ए ऑफ 0 में आसान क्या कराओगे वैल्यू ऑफ इंसर्टेड आइटम। क्लियर, आइटम का जो भी वैल्यू सपोज 5 पास किया 5 0 इंडेक्स में आसान हो जाएगा, नाउ फर्स्ट एलिमेंट इज रिप्लेस्ड बाई 5, लेकिन 10 ऑलरेडी नेक्स्ट प्लेस पर कॉपी कर चुके इसलिए 10 इस केस में रिप्लेस हुआ है क्या, नहीं, मीन्स क्लियर। लेकिन अब प्रीवियस केस में एरे का साइज क्या था 5, करेंट साइज क्या है एरे का 5 और 6, जस्ट 6, तो इस केस में इस फंक्शन से जस्ट रिटर्न क्या कराएंगे करेंट साइज, करेंट साइज क्या हो चुका है इसका रिटर्न एन प्लस 1, मीन्स एन का एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या था 5, इस फंक्शन से रिटर्न क्या हो जाएगा जस्ट 6, तो जहाँ भी आप इस फंक्शन को कॉल करोगे उस प्लेस पर एरे के साइज में न्यू साइज क्या सेंड करा लोगे एन प्लस 1, इस केस में फंक्शन का रिटर्न टाइप यूज कर सकते हैं जा इंटीजर। क्लियर लाइक दैट, नेक्स्ट वन, फाइनली
इंसर्ट फंक्शन में लॉजिक स्पार्ट कर चुका हूँ, जस्ट इंसर्ट फंक्शन को कॉल के स्पेस वगैरह उस फंक्शन को टेस्ट करने के लिए रिक्वायर किया हुआ मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन के रिस्पेक्ट में लॉजिक्स में फोर स्टेप में डिवाइड करूँ। फर्स्ट स्टेप प्रोवाइडिंग वेरिएबल डिक्लेरेशन। फर्स्ट स्टेप क्या है, किसी भी लॉजिक्स को क्रिएट करने का फर्स्ट वे क्या रहता है प्रोग्राम के रिस्पेक्ट में, प्रोवाइडिंग वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो मेन के अंदर कितने डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड है, एरे ए विद मैक्सिमम साइज, एरे का मैं साइज एज्यूम कर रहा हूँ 10, वेरिएबल एन, एन के अंदर ऑलवेज मैनेज क्या हुआ करंट साइज, प्लस एरे के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए इटरेट करने के लिए रिक्वायर्ड क्या हुआ इटरेटिव वेरिएबल आई, प्लस एरे में न्यू आइटम इंसर्ट कराने के लिए रिक्वायर्ड क्या हुआ वेरिएबल आइटम। क्लियर, फोर वेरिएबल डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड है जो कि मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ इनसाइड मैन। क्लियर, नेक्स्ट केस, इसके जस्ट बाद सेकंड स्टेप क्या रहता है प्रोग्रामिंग में, जस्ट रीडिंग इनपुट्स, क्योंकि जब तक आपके पास इनपुट्स ही नहीं होंगे तब तक आपके लिए कोई भी ऑपरेशंस कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं। तो इनपुट में सबसे पहले रीड क्या करेंगे, करेंट साइज ऑफ एरे और इनिशियल साइज ऑफ एरे। सबसे पहले एन के लिए वैल्यू रीड कराया यूजिंग दैट लॉजिक्स, मीन्स इससे जस्ट स्कैनएफ से वैल्यू किसके लिए रीड होगा एन के लिए, एन में क्या सन करा लिया जस्ट 5, 7 वाट एवर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट वन, एन का वैल्यू रीड करने के बाद जस्ट नेक्स्ट केस में रीड क्या करेंगे, एरे आइटम मीन्स एलिमेंट्स फॉर एरे, एरे के लिए कितने आइटम रीड करने की जरूरत होगी डिपेंड करे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन। तो अगेन एन आइटम रीड करने के लिए सेपरेटली एक लूप मैनेज करेंगे, लूप का लॉजिकली एग्जीक्यूशन कितनी बार होगा एन टाइम्स, स्कैनएफ भी कितनी बार एग्जीक्यूट और एन टाइम। तो एरे के लिए एलिमेंट्स कितने रीड होंगे, जस्ट एग्जैक्टली एन एलिमेंट्स। क्लियर, नेक्स्ट केस, इसके अलावा एक और इनपुट क्या रिक्वायर्ड हुआ, मीन्स जो भी न्यू आइटम आप इंसर्ट कराना चाहते हो, मीन्स इसके अलावा रीड क्या करा हुआ है इंसर्टेड आइटम। तो फाइनली इस केस में 3 इनपुट्स रीड करने की जरूरत है। थर्ड केस में रीड क्या हो रहा है इस प्रोग्राम के अंदर, वैल्यूज फॉर आइटम, मीन्स इस केस में कोई भी स्पेशल लॉजिक्स नहीं, जस्ट सिंपल वे रीडिंग डेटा फ्रॉम अ कीबोर्ड। क्लियर, नथिंग एल्स। नेक्स्ट, फाइनली स्टार्ट से सिचुएशन क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट टाइम थर्ड स्टेप क्या है, इम्प्लीमेंटिंग रिक्वायर्ड लॉजिक्स। तो रिक्वायर्ड लॉजिक्स इस केस में क्या, गिवन क्या, इंसर्टिंग न्यू एलिमेंट एट द हेड पोजिशन ऑफ द एरे। तो इसे हेड पोजिशन में एलिमेंट को इंसर्ट करने के लॉजिक में ऑलरेडी इंसर्ट फंक्शन के थ्रू इंप्लीमेंट कर चुका हूँ, जिस प्लेस पर आपको लॉजिक्स रिक्वायर्ड होंगे इस प्लेस पर जस्ट कॉल क्या करोगे, जैसे इंसर्ट फंक्शन कॉल क्या कर लोगे, इंसर्ट फंक्शन, इंसर्ट, और इंसर्ट फंक्शन रिटर्न क्या करेगा न्यू साइज। न्यू साइज क्या आएगा इसके जस्ट बाद 6, इस वैल्यू को आप एन में असाइन करा सकते हो, या फिर अगर आप साइज रिटर्न कराने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं इस केस में इसका रिटर्न टाइप क्या रखो, जस्ट वॉइड, वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू रिटर्निंग एनी वैल्यू। देन इस केस में जस्ट कॉल क्या कर लोगे, इंसर्ट फंक्शन, और इंसर्ट फंक्शन केस में सप्लाई क्या हुआ, एरे का बेस एड्रेस, सेकेंड आर्गुमेंट क्या पास करो, करेंट साइज ऑफ एरे, करेंट साइज क्या जस्ट 5, देन न्यू आइटम, आइटम का वैल्यू ऑलरेडी कीवर्ड्स रीड करा यूजिंग स्कैनएफ, सप्लाई क्या करोगे वैल्यू ऑफ इंसर्टेड आइटम, फाइनली 3 एलिमेंट। देन इसके जस्ट और आप श्योर हो, जैसे जैसे इंसर्ट फंक्शन का एग्जीक्यूशन फिनिश होगा इसे एरे का साइज जस्ट 1 से इंक्रीज हो चुका है, देन इसके इसमें एरे का साइज मैनेज किसके अंदर हुआ, वेरिएबल एन के अंदर, एन क्या, एन इज अ लोकल वेरिएबल टू द मेन। तो इसके इसमें जस्ट इमीडिएटली परफॉर्म क्या करा हुए एन प्लस प्लस, इस ऑपरेशन के जस्ट बाद एरे के अंदर न्यू एलिमेंट फाउंड हुआ प्लस एन की वैल्यू इंक्रीज होकर क्या हो जाएगी जस्ट 6। क्लियर, इस अगर आप वैल्यू रिटर्न नहीं करा रहे देन कॉलिंग प्लेस पर डायरेक्टली परफॉर्म क्या करा लोगे एन प्लस प्लस, इसके जस्ट बाद एरे के एलिमेंट इस पे कराने के लिए यूज क्या कर लोगे फोर लूप, फोर नेक्स्ट लॉजिक में परफॉर्म क्या कर रहा हूँ, लास्ट केस क्या रहेगा डिस्प्लेइंग आउटपुट और रिजल्ट्स। तो इसके साथ रिजल्ट्स क्या थे, जस्ट इंसर्टिंग ऑपरेशन, तो इसको जस्ट चेक करोगे एलिमेंट प्रॉपरली इंसर्ट हुआ है कि नहीं हुआ, देन चेक करने के लिए जस्ट डिस्प्ले क्या कराएंगे होल एलिमेंट ऑफ द एरे, एरे के एलिमेंट डिस्प्ले कराने के लिए जस्ट यूज क्या करेंगे लूप फ्रॉम 0 to n आई प्लस प्लस, डिस्प्ले कराने के लिए यूज करेंगे जस्ट प्रिंटएफ स्टेटमेंट, प्रिंटएफ के अंदर एरे के सारे एलिमेंट डिस्प्ले कराने के लिए ऑल एलिमेंट्स रिप्रेजेंट किससे होंगे जस्ट a of i, क्लियर, क्लोज दिस। इस फाइनली ऐसे फंक्शंस के थ्रू एग्जिस्टिंग एरे में न्यू आइटम इंसर्ट कराना पॉसिबल है।